एक चीज लिखी भी आपके पास आती है उसे आपने पढ़ना है और इतने से काम कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इस मौके को आपने गंवाना नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही लाजमी इस पर वर्क करना है और ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट करना है। मोबाइल की एक एप्लीकेशन आपने लेनी है, ओपन करने के बाद उस आता है, बस आपने उसको देख कर पढ़ना है और उस एप्लीकेशन में आपने उसे रिकॉर्ड कर देना है। बस इतने से काम का आपको दिया जा रहा है एक नहीं दो नहीं 3 लाख रुपए। आपने मोबाइल की एक एप्लीकेशन को लेना है, लेने के बाद उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है, उस टॉपिक को आपने देखकर पढ़ना है और उसकी आपने रिकॉर्डिंग बना लेनी है। बस इतने से काम के आपको 1 लाख रुपए नहीं दो नहीं 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो क्या आप लोग 3 लाख रुपए कमाना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल कमाना चाहेंगे, हर कोई कमाना चाहता है। आजकल जिस तरह महंगाई है, महंगाई का दौर है, तो हर कोई घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आप लोग पैसे नहीं कमा पाए तो फिर आप मुझे कहिएगा कि हमने आपकी वीडियो को देखा और हम लोग पैसे नहीं कमा पाए। इस वीडियो को देखने के बाद 100% नहीं 200% आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना रियल है, इतना ऑथेंटिक है, हर कोई यहाँ से काम कर रही पैसे कमा रहे, तो आप लोग भी कमा सकते हैं। बस एक आपकी कोशिश चाहिए और इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। फुल वॉच करेंगे तो आपको मिलती है पूरी इन्फॉर्मेशन और आप लोग पूरे तरीके से वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको समझ आती है स्टेप बाय स्टेप और आप लोग फॉलो कर पाते हैं। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर, इस तरह का इंटरेस्टिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ और आप लोग सबसे पहले उसे वॉच कर सकें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च कर लेना है विडमा स्क्रीन रिकॉर्डर आपने सर्च करना है और इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। सेम आपने इसी ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर इस क्रॉस पर क्लिक करना है और इसके बाद अगेन इस छोटे से क्रॉस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये छोटा सा अराउंड टाइप बना हुआ आ जाएगा। ये आपने क्या करना है, इस गोल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अलो कर देना है, वाइल यूजिंग दी ऐप कर लेना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही करते हैं 3 सेकंड के अंदर ना आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है और अब जो भी आप बोलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी आप काम करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और जो भी आप वॉइस में बोलेंगे वो भी साथ ही रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने सर्च कर लेना है मिजान बैंक कार लोन सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसे आप लोगों ने ओपन करना है। सेम वेबसाइट ही ओपन करनी है आपने जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ओपन करने के बाद वेबसाइट पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, आप लोगों के पास भी स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फीचर आप लोगों के पास भी शो होंगे, जैसे कि एक फीचर ये है लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट। ये पेमेंट वो होती है जो आपने कार लेने से एडवांस में देनी पड़ती है, ये आपकी लोएस्ट होगी। और उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें आपको सारी डिटेल्स बताई जा रही हैं कि कैसे आपने कार के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने काम करना है, ये सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे मिल जाएंगी और आपने बस काम क्या करना है जाना है और बताते जाना है और वो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। देखते जाना है और पढ़ते जाना है, इतना सा काम करने के आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके आगे की मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको अगर आपकी 25 ईयर्स होगी तभी आपको लोन दिया जाएगा, ज़्यादा उम्र पे आपको लोन नहीं दिया जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाती हैं, आपने देखना है और पढ़ते जाना है। नेक्स्ट आपने सर्च कर लेना है, आप लोग चेक कर सकते हैं जॉइंट पाक नेवी एस सिविलियन 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें आपके पास टोटल डिटेल्स दी जाती हैं, नेवी की जॉब्स के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारा क्राइटेरिया आपको बताया जाता है। ये जो सामने आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है सर, इस पर आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। इसमें सारी आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं कि कौन कौन से शहर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जैसे कि सिटीज़ में आप लोग चेक कर सकते हैं इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा, बहावलपुर, यहाँ पर बहुत सारे शहर दिए गए हैं कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो शहर्स होते हैं इनके अलावा वहाँ से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते।
वैकेंसीज आपको बता दी गई हैं कि 20 वैकेंसीज हैं और सैलरी पैकेज भी आपको बता दिए गए कि 30,000 से 50,000 का सैलरी पैकेज है। लास्ट डेट ये भी आपको बता दी गई है कि कौन सी लास्ट डेट है, एड्रेस दे दिया गया, ये सारा कुछ आपको इसमें बता दिया गया। बस आपने करना है कि ये सारा कुछ देख कर आपने बोलते जाना है और बोल कर आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लेना है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक भी दिया गया है कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि कैसे आपने इस जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करना है। मतलब लोग इस पर वीडियोस भी बनाते हैं और इससे अर्निंग करते हैं। अब आपने कैसे वीडियो बनानी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पाक नेवी जॉब्स एडवर्टाइजमेंट इमेजेस भी दी गई हैं। इमेजेस से भी आप लोग इस तरह अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक अवेलेबल हैं। नेवी जॉब्स पर भी आप लोग बना सकते हैं, बैंक लोन पर भी आप लोग बना सकते हैं। और यही नहीं कि एक ही बैंक है तो आपने उसी पर बनाना है। मिजान बैंक के अलावा भी बहुत सारी बैंक हैं जिन पर आप लोग बना सकते हैं कि घर के लिए लोन कैसे लेना है इस पर आप लोग वीडियोस बना सकते हैं, कार के लिए लोन कैसे लेना है इसके लिए आप लोग वीडियोस बना सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक अवेलेबल हैं जिन पर आप लोग वीडियोस बना सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में डेली कौन कौन से जॉब्स आ रही हैं इसके पर आप लोग वीडियोस बना सकते हैं। कौन कौन सी सीटें मिल रही हैं, किस किस को मिल सकती हैं, किन को नहीं मिल सकती, इन पर आप लोग वीडियोस बना सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है जिसके बारे में आपने कोई काम किया और वो काम अच्छा लगा आपको तो उसके बारे में आप लोग शेयर कर सकते हैं कि AI की ये वेबसाइट को मैंने यूज़ किया और इससे ये टूल हुआ है, तो आप लोग इस पर वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनको आप यूज़ करके कोई अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप वो शेयर कर सकते हैं कि इस वेबसाइट से मैंने ये वाला काम किया तो मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ है। आपको भी ये वाला टूल यूज़ करना चाहिए, इससे ये बेनिफिट है। मतलब इस पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं जिस पर आप लोग वीडियोज़ बना सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस बना कर अच्छे खासे व्यूज़ ले रहे हैं। ये अब मैं आपको YouTube पे जाके सर्च करके दिखाती हूँ कि लोग इस टाइप की वीडियोस बना के कितने कितने व्यूज़ ले रहे हैं और YouTube से कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह वीडियोस बनाकर सबसे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपने वीडियोस बनानी है, बोलते जाना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते जाना है। YouTube को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्च कर लेना है कार लोन इन पाकिस्तान। अब आप लोग चेक कर सकते हैं लोग कितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और साथ ही कितने ज़्यादा उनको व्यूज़ भी आ रहे हैं। आप लोगों को भी इसी तरह अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे जब आप लोग भी इस टाइप की वीडियोस को अपलोड करेंगे। काम आपने क्या करना है, आपने साथ साथ बोलते जाना है और अपनी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखनी है। साथ में जो आप काम करते जाएंगे आपकी वो वीडियो भी बनती जाएगी और आप लोग जो बोलते जाएंगे वो रिकॉर्ड भी होता जाएगा। इस तरह आपने वीडियो बना लेनी है, इतना सा काम करना है बस आपने। अब बात आ जाती है कि वीडियो एडिट कैसे करने हैं आपने। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है। बैक कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपने बनानी है उसे सेव कैसे करना है। उसे सेव करने के लिए जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टॉप करना है। ये जो साथ में स्क्वायर टाइप डब्बा बना है छोटा सा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है सेव होना। कुछ ही टाइम में ये सेव हो जाती है। बैक करने के बाद आप कैपकट से करते हैं, इनशॉट से करते हैं, काइंड मास्टर से करते हैं, जिससे भी ऐप से करते हैं आपने उस ऐप को ओपन कर लेना है। मैं अपनी वीडियोस को इनशॉट से करती हूँ तो मैं इनशॉट को ओपन कर लेती हूँ। अब इस वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी गैलरी शो हो जाएगी। वहाँ से आपने वीडियो को सिलेक्ट कर लें। एडिट करने के लिए क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वीडियो में कोई मिस्टेक की है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है वीडियो में जिसे आपने रिकॉर्ड नहीं करना था, तो आपने इसके लिए क्या करना है, ऊपर ही जो स्प्लिट का ऑप्शन शो हो रहा है इस स्प्लिट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। और जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है, जहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये पार्ट को रिकॉर्ड नहीं करना था, ये बाय मिस्टेक आपने पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया है, वहाँ तक वीडियो को लेके जाने के बाद वहाँ पर भी आपने सेम स्प्लिट करना है। उसके बाद उस पूरे पार्ट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके जब ये सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने उस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये पार्ट आपका डिलीट हो जाता है। तो इस तरह जो भी आपकी वीडियो की मिस्टेक्स होंगी वो आपने इस तरह डिलीट कर देनी है और अपने वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए क्या करना है, आपने ऊपर ये जो सेव का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट काम बताती हूँ कि आपने वीडियो सेव तो कर ली लेकिन आपको YouTube चैनल बनाना नहीं आता और ना ही आपको वीडियो को अपलोड करना आता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने YouTube को ओपन कर लेना है। YouTube को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में सर्च कर लेना है हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल, के आप लोग YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पूरा तरीका समझ आ जाता है अपना YouTube चैनल कैसे बनाना है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप अपना YouTube चैनल बना लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप अपनी वीडियोस को अपलोड कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने सर्च करना है हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, जिनको देखने के बाद आपको यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका मिल जाएगा। इनमें से किसी भी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, देखने के बाद आपको तरीका पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियोस को अपलोड कैसे करेंगे। तो इस तरह आपको वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका और आपका चैनल कैसे बनेगा, उसकी SEO कैसे होगी, ये सब कुछ आपको YouTube पे मिल जाता है। आपने सर्च करना है और देखना है, देखने के बाद अप्लाई करना है और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस को देखकर बोलना है और साथ ही रिकॉर्डिंग करके आप लोगों ने YouTube पे वीडियोस अपलोड करनी है। इस तरह वीडियोस अपलोड करके आप लोगों ने यहां से अच्छा खासा अर्निंग करना है। तो ये तरीका है जिससे आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट आपने बोलना है और लिखा हुआ तो सारा आपके पास ऑलरेडी होता ही है, देखकर आपने बोलना है और ऐसे काम के लिए आपको अच्छी खासी अर्निंग दी जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी एक न्यू ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो के साथ।